हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका किचन। आज हम आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही खिला सा चावल बनके रेडी होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमें पैन में घी को गर्म कर लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। तो हमने लिया है जीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची। इन सबको आपने अच्छे से एक बार जब ये कुक हो जाएगा यानी कि इसकी स्मेल जो है चारों तरफ फैल जाएगी, तो इसमें डाल देंगे हरी मटर। हरी मटर को डालने के बाद एक से दो मिनट हम इसको चला लेंगे ताकि ये जो है कलरिंग है चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो लिया है हमने 2 कप पानी। फ्रेंड्स, 2 कप चावल के लिए आप 2 कप पानी ही डालिए। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि जो पानी है हमारा वो बॉयल होने लगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहें जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो तो आप इस पर लिड लगा दीजिए ताकि जल्दी से पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। फिर हमने लिया राइस। तो इसे हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब इसे हम डाल देंगे। ये भी करीब हमारा 2 कप चावल है जिसे हमने पानी में भिगो कर रख दिया था। तो अगर 1 घंटा पहले आप भिगो कर रख रहे हैं तो 2 गिलास यानी 2 कप पानी ही लीजिए बॉईल करते टाइम। अब देखिए इसे हमने डाल देना है। अब इस पर लगा देंगे लिड ताकि ये जल्दी से कुक होना स्टार्ट हो जाए। तो चावल अच्छे से चारों तरफ बहुत अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कर देंगे फ्लेम को मीडियम और इस पर लगा देंगे लिड। फ्रेंड्स, लिड इस तरीके से लगानी है कि जो अगर थोड़ा सा पार्ट जो है ओपन रहे, पूरा कंप्लीट हमको कवर नहीं करना है। फिर थोड़े थोड़े टाइम पर हम लिड हटा कर और इसे मिक्स करते रहेंगे यानी चावल को ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटे ना। ये चावल है कि सेवई आप मिक्स कीजिए, टूटना नहीं देना है। इस तरीके से हम हल्का सा मिला के बीच में 2 बार ही स्विच चलाएंगे, एक बार स्टार्टिंग में और एक बार आखिरी में, ताकि जो मटर है और बाकी मसाले हैं ऊपर नीचे चारों तरफ अच्छे से हो जाएं। तो देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। 5 मिनट में हमारा जो राइस है बहुत ही खिला खिला सा बनके रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से ये परफेक्ट हो गया। बस अभी 1 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए जब चावल आपका अच्छे से हाथों पे लेकर कटने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपका जो चावल है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, यानी आपका पुलाव, मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होता है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही खिला सा चावल बनके इस तरीके से रेडी होता है। अगर आप कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई होप आप बहुत परफेक्ट राइस बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। इस तरह की यूनिक और बहुत ही सिंपल वे में रेसिपीज़ के लिए हमारे बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए।